तो हेलो दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे ICICI बैंक का आई मोबाइल ऐप को यूज़ करके स्टेटमेंट हम निकल सकते हैं घर बैठे। स्टेटमेंट निकलने के लिए सिंपली आपको आई मोबाइल पे को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं आई मोबाइल पे जो बैंक है तो इस बैंक को मैं ओपन कर लूँगा। तो आई मोबाइल पे मैं पहले से डाउनलोड करके रखा है, तो उस आई मोबाइल पे को मैं ओपन करूँगा। तो मैं सिंपली ओपन कर लिया बैंक। तो मैं सिंपली डेबिट कार्ड से लॉगिन किया है, तो मैं डेबिट कार्ड का जो पिन है यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो मैं पिन डाल लेती हूँ और आपके सामने मैं देखा ओपन हो चुका है। मैं सक्सेसफुली इस एप्लीकेशन में लॉगिन कर लिया है। तो लॉगिन करने के बाद सिंपली स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देख सकते हो, जो पहले इस सेक्शन में आपके सामने स्टेटमेंट, डेबिट कार्ड और सर्विस का ऑप्शन है। यहाँ पर व्यू बैलेंस में चेक कर सकते हो आपका कितना बैलेंस है। आपने उसके नीचे आपका उसके ऊपर आपका अकाउंट नंबर है वहाँ पर, उसके नीचे यहाँ पर UPI ID दिया गया है। तो यहाँ पर सिंपली स्टेटमेंट में टच करोगे। तो स्टेटमेंट में टच करने के बाद से आपके सामने जो लास्ट स्टेटमेंट है, लास्ट 10 ट्रांजेक्शन है, वो आपके सामने आ जाएगा बहुत ही आसानी से। मैंने आपको देखना है तो यहाँ पर डिटेल्स स्टेटमेंट में टच करोगे। यहाँ पर लास्ट मंथ, लास्ट 6 मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट 3 मंथ्स का स्टेटमेंट भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप जितनी मंथ का स्टेटमेंट आप देखना चाहते हो देख सकते हो। जैसे कि लास्ट 6 मंथ का मेरा स्टेटमेंट देखना है, तो मैं सिंपली यहाँ पर प्रोसीड में टच करूँगा। प्रोसीड में टच करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो ओके में टच करना पड़ेगा। ओके में टच करने के बाद यहाँ पर ही सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पर आ चुका है। तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो व्यू PDF। अब व्यू PDF में टच करके PDF फॉर्मेट में भी देख सकते हो इस स्टेटमेंट को। यहाँ पर सेंड ओवर ईमेल, आप आपके मेल में भी सेंड कर सकते हो। तो मैं सिंपली यहाँ पर मोड ऑप्शन में टच करूँगा। मोड ऑप्शन में टच करने के बाद यहाँ पर सेंड अकाउंट स्टेटमेंट ऑन मेल, तो यहाँ पर इस वाले सेक्शन को मैंने चूज़ करूँगा। चूज़ करने के बाद यहाँ पर आपके सामने डेट आ जाएगा। अब जिस डेट का यहाँ पर स्टार्ट डेट आपको डालना पड़ेगा, आप जिस डेट से स्टार्ट करना चाहते हो उस वाले डेट यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लोगे। सेलेक्ट कर लिया उसके बाद यहाँ पर लास्ट डेट आपके हिसाब से यहाँ पर डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट फरवरी तक मैं देखना चाहते हो, तो यहाँ पर मैंने सेट कर लूँगा। तो सेट कर लिया। सेट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने मेल आईडी आ जाएगा। तो यहाँ पर मेल आईडी आपको देख लेना है कौन सी मेल आईडी यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर सेंड मेल में टच करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो सक्सेस, आपके मेल में सक्सेसफुली एक स्टेटमेंट सेंड किया जाएगा। तो सिंपली मेरा मेल आने तक मैं वेट कर लेती हूँ। तो मैं ओके में टच कर दिया। ओके में टच करने के बाद तो इसके बाद मैं मेरा मेल आईडी ओपन कर लूँगा। तो मेरा मेल ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कस्टमर केयर @ICICI.com से एक मेल आया है। तो इस मेल को मैं ओपन करूँगा। मेल को ओपन कर लिया तो यहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटी दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा सामने मेरा स्टेटमेंट आ चुका है। तो स्टेटमेंट को मेरे को डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के पहले यहाँ पर आपके सामने एक पासवर्ड, मतलब डाउनलोड करोगे तो आपको एक पासवर्ड देना पड़ेगा। वो पासवर्ड क्या है यहाँ पर दिया गया है। फॉर एग्जांपल देख सकते हो आपको कैसा पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा, कैसे पासवर्ड वहाँ पर देना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हो आपका डेट ऑफ बर्थ अगर 5 जनवरी है तो 5 जनवरी आपको देना पड़ेगा। और उसके पहले आपका जो नाम का लेटर है वो कैपिटल लेटर में डालना पड़ेगा। जो लेटर है आपका नाम जो है, अगर यहाँ पर सुजीत आपका नाम है तो यहाँ पर देख सकते हो SUJI0501 इस तरीके से आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो मैं सिंपली इसको ओपन कर लेती हूँ। इसको डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर टच कर दिया तो डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद सिंपली देख सकते हो यहाँ पर मेरा सामने पासवर्ड आ चुका है। तो यहाँ पर मेरे को पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने पासवर्ड यहाँ पर डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद सिंपली मैं ओपन में टच करूँगा। तो ओपन में टच करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो मेरा स्टेटमेंट मेरा सामने ओपन हो गया है। मैं जितनी डेट तक मैंने स्टेटमेंट दिया हुआ है उन सारे डेट तक मेरा स्टेटमेंट आ चुका है, ओपन हो चुका है यहाँ पर देख सकते हो। तो बहुत ही आसानी से आपका जो ICICI बैंक का स्टेटमेंट आप निकाल सकते हो आपका मेल के थ्रू।
तो आप इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, प्रिंट आउट भी बाहर कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको बैंक जाने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो इस वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको इस वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट जरूर कर देना, आपका फ्रेंड के साथ शेयर करना, और आपका मन में कोई भी कंफ्यूजिंग है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते अगले कोई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।